भगवान को पाने के लिए गीता में कई मार्ग भगवान ने बताए। भगवान ने कहा मेरी माया दुस्तर है, कोई शराब कबाब आलस्य में ही सुख खोज रहे हैं, कोई धन इकट्ठा करना काम क्रोध दूसरे की टांग खींचना रजोगुण में ही सुख खोज खोज के बेचारे उलझ जाते, कुछ लोग तो चलो दान पुण्य यश लाभ करके सुख पा रहे हैं लेकिन अपने को कर्ता मानते। इस प्रकार मेरी माया दुस्तर है लेकिन जो मेरी शरण आते हैं उनके लिए मेरी माया सहज हो जाती है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। मुझ आत्मदेव परमेश्वर की माया है, कोई हाल मस्त ऐसा हाल हो ऐसा हाँ मजे में क्या है, बोले गाड़ी है, बेटे कमाते हैं, बच्चियों की शादी हो गई, बड़े मजे से रहते हैं, लेकिन भैया मेरा सा पेशाब बंद हो जाए तो पता चलता है मजा कहाँ गया। हम किसी को नहीं मानते लेकिन फिर डॉक्टर को तो मानना पड़ता है। जयराम जी की हमें तो मौज है। तो हाल किसी परिस्थिति में आप अपने को मजे में मानते तो परिस्थिति एक जैसी नहीं रहेगी, मजा भाग जाएगा। कोई हाल मस्त कोई माल मस्त कोई तूती मैना सुए में कोई खान मस्त पहरान मस्त कोई राग रगीनी दोहे में कोई कवाली गाना सीख गया कोई कवाली में मजा लेना सीख गया लेकिन ये मस्ती क्या। कोई हाल मस्त कोई माल मस्त कोई तूती मैना सुए में कोई खान मस्त पहरान मस्त कोई राग रगीनी दोहे में कोई अकल मस्त कोई शकल मस्त। कैसा लग रहा हूं कैसी लग रहे हो, लेकिन भैया शमशान में जल जाने वाला ये चीज कब तक तू देखेगा। आईना देखो ठीक ठाक करो कंघी लगा दो कोई मना नहीं लेकिन मैं बढ़िया हूं ये सदा बना रहेगा क्या। कोई खान मस्त पहरान मस्त कोई राग रगीनी दोहे में कोई अकल मस्त कोई शकल मस्त कोई चंचलताई हासी में एक खुद मस्ती बिना और मस्त सब बंधे अविद्या फांसी। कोई योग मस्त कोई भोग मस्त कोई रिद्धि मस्त कोई सिद्धि मस्त कोई लेन देन की कल कल में रिद्धि सिद्धियां यूं करके कुछ निकाल के दे दिया यूं करके। लेकिन भैया यूं करके लाई हुई चीज तुम्हारी आत्मा तो नहीं है ना, तुम प्रभावित हो जाओगे जिसने ऐसा करके दिखा दिया लेकिन तुम कौन हो उसको तो नहीं खोज पाओगे ना लाला। विवेकानंद गए थे एक ऐसे संत महात्मा थे वो मनचाही चीज यूं करके भक्तों को दे देते थे। तो विवेकानंद विदेश से गए उन साधु की प्रसिद्धि देखे तो गए तो साधु ने भी सुनी थी कि विवेकानंद अगर इम्प्रेस हो जाए तो कहना ही क्या। अब संत लोग हैं समाज के उद्धारक तो कहीं भी जाएंगे सबसे मिलेंगे जुलेंगे समाज की परिस्थिति से वाकुफ रहते हैं और समाज को भी करते हैं। तो वो साधु मानने लगा कि मैं बड़ा साधु हूँ मेरे पास प्रभावित होकर आने लगा। वो साधु ना भी माने तो उसके इर्द गिर्द के चेलों ने फैला दिया कि विवेकानंद आए थे दर्शन करने हमारे बाबा के, हमारे बाबा ने विवेकानंद पर कृपा कर दी। लेकिन विवेकानंद ने भाषण में कहा कि ऐसे
ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, मन चाही चीज यूं करके दे देते और मैं मांगता गया और वो देते गए और उनके खंड का एक कोना लगभग ढेर हो गया था। लेकिन भाइयों, आध्यात्मिक जगत के आगे इन चीजों की कोई कीमत नहीं। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नहीं वह शाश्वत, ये सब वैभव शाश्वत नहीं। नित्य सन्निहित तो मृत्यु, रोज मौत के तरफ जीव जा रहा है। कर्तव्य धर्म संग्रह, धर्म क्या है? धारितिति धर्म, जो सारी सृष्टि का भरण पोषण कर रहा है उस परमात्मा की शरण आना, परमात्मा आत्मा का ज्ञान पाना, सुनना, जानना, इसी से कल्याण होगा। अखंडानंद सरस्वती के पास कुछ साधु लोग आए, बोले महाराज फलाने अबू बाबा जाते हैं तो जो भक्त होते हैं यूं करके किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को अंगूठी, किसी को चैन, किसी को कुछ दे डालते हैं, खाने की चीज भी दे देते हैं। अब ऐसा करें, आज अभी रात के 9:30 बजे, जाते जाते 10 बजेंगे, ऐसा मांगे कि रात को वो मंगा न सके। तो अखंडानंद जी गए और दूसरे 9 साधु 10 मिलके गए। अखंडानंद जी अपने आश्रम में भी आए थे, मतलब वर्तमान युग के पुरुष की बात कर रहा हूं। तो वो अखंडानंद जी गए, अखंडानंद वृंदावन वाले, अखंडानंद सरस्वती साधु बाबा जानते हैं, यहाँ कई बार कथा करके आए हरिद्वार में सप्त सरोवर में। तो साधु बाबा के पास गए तो बोले कैसे संत लोग आए, बोलो क्या खाओगे? बोले महाराज आप तो जो चाहे वो खिला सकते हो। अरे बोले बोलो ना। बोले बाबा जी मालपुआ खाने की इच्छा है। बोले वाह गुरु, रात को 10 बजे मालपुआ, अच्छा ठीक है। उसको बातों में लगा और जो कुछ इनको मन से कहना था प्रेत को आज्ञा दे दी, तो जहाँ भी मालपुए उठा के ले आवे। तो थोड़ी देर में जब वो आने वाला था तो यूं यूं करा तो हाथ में तसला आ गया, 10 आदमी खाए उतने मालपुए। अखंडानंद कहते हमने खाए, हमारे 9 साधुओं ने खाए, स्वाद भी आया, पेट भी भरा, नींद भी आई। सुबह जब हम लोटा लेकर मालपुए छोड़ने गए, आप समझ गए ना, लोटा लेकर मालपुए छोड़ने पड़ते हैं, जो मिला है वो छोड़ना ही पड़ता है। तो बोले ईश्वर मिलेगा तो भी छूट जाएगा, ईश्वर मिला मिला है खाली पर्दा हटेगा, ईश्वर मिलता नहीं है, नासमझी का पर्दा हटता, हाजरा हाजू रहो। सुबह जब लोटा लेके मालपुए खाली करने गए, आप समझ रहे हैं बात को, लोटा लेके, क्योंकि लोटे का जमाना अलग था, अभी जरा फ्लश सिस्टम है, समझ गया ना लोटा। तो हरिजन बस्ती में 2 माइयां लड़ रही थी, मैत्राणियां, वो बोलती है रांड 10 आदमी खाए उतने में बरातियों से शादी से मालपुए इकट्ठे करके लाई थी, तसला भी गायब और मालपुए भी गायब, रांड तू नहीं ले गई तो क्या, कौन ले गया, कोई भूत ले गए? अखंडानंद कहते मालपुए तो खाली हो गए लेकिन ग्लानी अभी भी एक दत्त तेरे की मैत्रानी के घर के, वो भूत चुरा के मालपुए लाए, वही हमने खाया है। कुछ मानसिक शक्तियों से भी वस्तु बनाकर दी जा सकती है, लेकिन ये सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है, हम किसी का विरोध नहीं करते। लेकिन मनुष्य जीवन को सावधान होना हो तो इन चीजों में रुक न जाओ भैया, आप अपने आत्म वैभव को जगाओ। तो भगवान बोलते हैं कि देखो ये गुण महिमाया है, कोई माल मस्त कोई हाल मस्त, इस लोक की व्याख्या में आ गया दृष्टांत मालपुए का। ये माल मिल गया, ये माल निकाल के दे दिया, मस्त रहे तब वो साधु रहे, अब न वो साधु है न मालपुए है न वो उनकी वो शक्तियां। लेकिन कबीर जी की शक्तियां, नानक की शक्तियां, आदि शंकराचार्य की शक्ति, वल्लभाचार्य की शक्ति कुछ विलक्षण थी। अपने शास्त्रों में योग सिद्ध पुरुषों की बात आती है, भक्ति सिद्ध महापुरुषों की बात आती है, ज्ञान सिद्ध महापुरुषों की बात आती है, लेकिन मालपुआ सिद्ध महापुरुषों की बात नहीं आती। मनचाही वस्तुओं करके दे देना, ये कोई सिद्ध पुरुषों में उनका नाम नहीं आता है। ये चमत्कार है, जनता को प्रभावित करके अपना थोड़ा पुजवा लिया,
लेकिन पुजवाने वाला शरीर भी कब तक रहेगा और प्रभावित होने वाला भी कब तक रहेगा। मनुष्य जीवन मिला था परमात्मा को पाने के लिए और आप भगवान की इस माया में चक्कर मार के फेल हो गए। तो भगवान कहते देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे ये प्रपद्यन्ते, जो मुझे प्रपन्न होता है माया में ताम तरंती थे। अगर इस ढंग से तुम मुझे नहीं पा सकते हो तो लो दूसरा उपाय है। भगवत प्राप्ति इस शरण में आने से कठिन लगती तो दूसरा उपाय है। मई अर्पित मनोबुद्धिर मामे वेश्यस्य असंशयम्, मेरे में मन और बुद्धि को अर्पण करे। सुबह उठे मन के संकल्प तुम्हारी सत्ता से, बुद्धि के निर्णय बदलते तुम्हारी सत्ता से उठते बदल। बस ये मन बुद्धि भगवान की सत्ता से स्फुरित होते भगवान के। इस प्रकार मानते जाओ और व्यवहार में स्मरण बढ़ाते जाओ तभी भी तर जाओगे। अगर ये नहीं कर सकते तो गीता कहती है लो बेटे, गीता मैया है ना, बच्चे को ये नहीं भाता तो ये खा ले बेटा, ये नहीं तो बेटा ये ले ले लाला, ये ले ले मेरा पुत्र ये खा ले, भूखा नहीं छोड़ना चाहती माँ। ऐसे गीता माता इस जीवात्मा को परमात्मा के सुख से वंचित होकर मर जाए वो नहीं चाहती, इसलिए तीसरा उपाय बताती है। जो भगवान दुर्लभ है वो भगवान अनन्य चेता, जो अनन्य चेता होकर भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान कहते तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, आठवें अध्याय का ग्यारहवां श्लोक। अनन्य चिंतन से उपासना से बोले अनन्य चेता हो भी नहीं सकते हैं तो मैया बोलती लो भैया। अब दूसरा चौथा उपाय है, मेरा बंधन का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, खाने का क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा। ओहो अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अन्य अन्य तो दिखता है, कीड़ी अन्य है, हाथी अन्य है, हिरण अन्य है और शेर अन्य है, लेकिन शेर में हिम्मत भरने वाला तू है और हिरण में कांपने की चेतना देने वाला तू है। कीड़ी में छोटा चैतन्य का रूप तेरा है, हाथी में बड़ा तू। अन्य अन्य दिखे लेकिन अन्य अन्य में अन्य अन्य नहीं। फ्रिज अलग है, गीजर अलग है, ट्यूबलाइट अलग है, लेकिन विद्युत तत्व उसमें एक है। ऐसी अन्य अन्य में भगवान एक ही तुम ही हो, ऐसी स्मृति करे और भगवान को अनन्य चित्त से जो उपासना करते तो ऐसों के योग और क्षेम का भगवान भार वहन करने का वचन देते, तुम्हें जो जरूरी चाहिए वो मिल जाएगा और जो परिस्थितियां हटनी चाहिए वो हटती जाएगी, केवल मेरे बनकर मेरे चिंतन में लगकर काम करो। बोले ये भी महाराज हमारे लिए कठिन है मैया, ये भी नहीं। तो बोले ले बेटा और मेरे में ये दोष है, मेरे में ये दोष है, हम भगवान को कैसे पा सकते, हम तो गृहस्थी हैं, संसारी हैं, ऐसा है, हम तो माई हैं, हम तो पंजाब गए हैं, हम तो पुराने हैं, हमारे को तो ईश्वर प्राप्ति कठिन है। गीता माँ कहती है देखो अपनी कठिनाइयां या अपने को पाप मुक्त करने में तो अपने तरफ से तो बहुत प्रयास करना पड़ता है, लेकिन अपने प्रयास से निष्पाप होना कठिन है, लेकिन भगवान का होकर भगवान की शरण जाकर निष्पाप होने की भावना से आप प्रयत्न करते तो भगवान कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणिशति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता और जल्दी धर्मात्मा हो जाता, वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन तुम प्रतिज्ञा करो
कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। बोले ये भी जरा कठिन लगता है मैया, और कोई सरल बताओ। बोले देखो इतना खाली मान लो कि ये संसार अनित्य है, बदल रहा है, लेकिन एक अबदल है, वो मेरे हृदयेश्वर परमात्मा है। अनित्यम असुखम लोकम मिमम प्राप्य भजस्व माम, नौवें अध्याय का 33वां श्लोक। ये अनित्य संसार है, रावण का वैभव भी अनित्य, हिरण्यकश्यप का वैभव भी अनित्य, तो तुम्हारा वैभव कहां तक? तो इस अनित्य को अनित्य मानो और ये नित्य मुझ आत्मा का स्मरण करो, परमात्मा का स्मरण करो, तो भी तुम्हारा मंगल हो जाएगा। जो छूटने वाला है उसको छूटने वाला मान लो, और जो मरने के बाद भी नहीं छूटता है उसकी प्रीति स्मृति कर दो, तो भी परमात्मा प्राप्ति सरल हो जाएगी। छठा उपाय बताते हैं, कि अनित्य को अनित्य माना और नित्य की स्मृति और प्रीति करो। सातवां उपाय बताते, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते, दसवें अध्याय का 10वां श्लोक। उन नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग दे देता हूँ। बुद्धि तो सब में है, लेकिन जो मेरा नित्य निरंतर स्मरण करते हैं उनकी बुद्धि में मुझ परमेश्वर का योग मिल जाता है, उनके लिए मुक्ति सहज हो जाती। इस प्रकार गीता ने कई सरल उपाय बताए, जिसको जो रुचे उस उपाय से अपना मनुष्य जीवन सफल कर ले। मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि, भगवान कहते हैं मेरे में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। तो भगवान प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, नित्य है, जीव मात्र के परम सुहृद है, परम दयालु है, लेकिन जो उनकी कोई भी बात कोई भी उपाय मानकर लग जाता है उनके लिए भगवान की कृपा के द्वार खुले हो जाते हैं। अनंत जन्मों के पाप हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आजू, तुलसी होवी राम को राम भजी तजी कु समाजू। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ऐसा स्मरण करके भगवान के नाम का स्मरण करें, स्मरण करें फिर बीच में विश्रांति पाए। जैसे हरि ओम जप किया, फिर जितनी देर जप किया उतनी देर शांत। पहले जल्दी जल्दी जप करते तो पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा होती है, फिर दीर्घ जप करते तो कार्य साफल्य ऊर्जा पैदा होती है, फिर प्लुत जप करते तो भगवान में विश्रांति मिलती है। जैसे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जो भी नाम, इसको हर्ष उच्चारण बोलते हैं। हरि ओम हरि ओम दीर्घ उच्चारण बोलते, हरि ओम करो, हरि जितनी देर उच्चारण किया उतनी देर फिर शांत हो गए। ये भगवत शरण में विश्रांति पाने में बड़ी मदद करेगा। थोड़े दिन ये अभ्यास करो, 10 मिनट 12 मिनट ऐसा करके फिर रात को सीधे सो जाओ बिस्तर पर, और श्वास अंदर जाए उसको देखो, बाहर आए गिनो, योग निद्रा के द्वार खुल जाएंगे। सुबह भी थोड़े शांत रहो। एक से एक सत्संग में सरल उपाय मिलते हैं,
सच्चा सुख मिलेगा तभी इन संसारी वासना मिटेगी, और जो जो वासनाओं के आकर्षण से बचोगे त्यों त्यों सच्चे सुख में प्रवेश पाते जाओगे। अब आप थोड़ी देर जीभ को दांतों की मूल में लगा दो, नाक को आंख को नाक के अग्रभाग में, श्वास अंदर जा रहा है उसको देखो, बाहर आ रहा है उसको गिनो, सत्य स्वरूप ईश्वर में विश्रांति पाने के तीर्थ में जाओ। अगर मन इधर उधर जाए तो हरिओम शांति मन में जपो। कुछ भी चिंतन न करो तो भी चलेगा, करोड़ों जन्मों के सुकृत एकत्रित होते तब भगवान की पुण्यदायिनी सुखदायिनी भगवत रसदायिनी ज्ञानदायिनी भगवतदायिनी भक्ति प्राप्त होती। इसीलिए सब प्रयत्नों से भगवत सुख भगवत ज्ञान भगवत भक्ति प्राप्त करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। ১৯৩৬ में प्रयागराज में एक विद्वानों की सभा में गांधी जी के भक्त ईश्वर शरण ने कहा कि जब तक मन पवित्र नहीं होता तब तक भगवान का नाम लेने से क्या फायदा। तब दूसरे विद्वान ने कहा कि मन पवित्र क्या हथौड़े से होगा कि किसी दवाई से होगा, धोबी घाट पर होगा या कोई इंजेक्शन या कोई गोली खाने से होगा। भाई मन पवित्र करना तो भी भगवान का नाम, और भगवान को पाना है तो भी भगवान का नाम, और भगवान का रस जगाना है तो भी भगवान का नाम। हम भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय शांति देवाय शांति देवाय माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय। ओम नमो नमो तो फिर नम जाए मन डूब जाए उसमें, उसे प्यार करते जाओ। हम जैसे तैसे तेरे हैं बस, तू तो सबका है तो मेरा भी है, ये बिन फेरे हम तेरे साथ साथ फेरे फिरते फिर भी एक दूसरे को छोड़ के मरते, लेकिन तेरे साथ कोई फेरा फिरते नहीं, फिर भी मरने के बाद भी तेरे साथ तो जीवात्मा परमात्मा की। वाह प्रभु, अगले जन्म की पत्नी नहीं है, पति नहीं है, मित्र नहीं है, बच्चे नहीं, लेकिन अगले जन्म का तू तो मेरे साथ अभी भी है, बाद में भी रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय भक्ति देवाय प्रीति देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसे प्यार करना हाँ, देखो कंजूसी मत करियो भैया, आनंद है माधुर्य है वासुदेव, अंतरात्मा देव गुरुदेव इष्ट देव तेरे क्या क्या रूप है।